नमस्कार, आप देख रहे हैं एमपी न्यूज और मैं हूं आपके साथ साक्षी जैन। एमपी न्यूज के इस खास प्रोग्राम न्यूज रूम में आप सभी का स्वागत है, जिसमें आज हम बात करेंगे प्रदेश की तमाम बड़ी खबरों की। चलिए शुरुआत करते हैं। मध्य प्रदेश के सीएम डॉक्टर मोहन यादव आज देवास शाजापुर दौरे पर पहुंचे हैं। यहाँ उन्होंने देवास लोकसभा क्षेत्र से भाजपा प्रत्याशी महेंद्र सिंह सोलंकी के समर्थन में वोट करने की जनता से अपील की है और उन्होंने एक जनसभा को संबोधित भी किया है। महेंद्र सिंह सोलंकी जो प्रत्याशी हैं, उनके समर्थन में सीएम ने एक जनसभा को भी संबोधित किया है। इस दौरान उन्होंने राहुल गांधी पर भी जमकर निशाना साधा है। उन्होंने राहुल गांधी को पप्पू बताते हुए कहा कि पिता, दादी और परदादा ने सालों तक सरकार चलाई और वे गरीबी नहीं हटा पाए। गरीबी हटाने की जगह गरीबों के साथ छलावा किया है, ये कहना है मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव का, जिन्होंने राहुल गांधी पर देवास शाजापुर में एक जनसभा को संबोधित करते वक्त राहुल गांधी पर जमकर निशाना साधा। आगे बढ़ते और बोल बता दें आपको कि मध्य प्रदेश के मुखिया डॉक्टर मोहन यादव ने एक बयान दिया है। उन्होंने कहा कि जब तक आखिरी वोट नहीं डले तब तक शांति से नहीं बैठेंगे। उन्होंने कहा कि एमपी में क्लीन स्वीप करेंगे। पूरे प्रदेश के कार्यकर्ताओं के लिए जिस उमंग और उत्साह के साथ जनता का प्रतिसाद मिल रहा है, इस उमंग उत्साह को बनाए रखिए। अब दूसरे चरण चुनाव के नजदीक हम पहुंच रहे हैं। सीएम मोहन ने कहा कि इसी में तीसरे और चौथे चरण का नामांकन का आखिरी दौर भी चल रहा है। आज मालवा की तरफ बढ़ रहा हूं, खासकर के शाजापुर और उज्जैन में बीजेपी प्रत्याशियों के नामांकन फॉर्म दाखिल करवा कर शाम तक ही वापस लौटूंगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जो वर्तमान का समय चल रहा है वो उत्साह और उमंग बढ़ाने वाला है। हमने संकल्प लिया है कि सभी 29 सीट जीतेंगे, यह कहना है मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव का। आगे बढ़ते और आपको बता दें कि मध्य प्रदेश की डॉक्टर मोहन सरकार ने एक बड़ा एक्शन लेते हुए 15,000 से ज्यादा आदिवासियों पर दर्ज वन अपराध को वापस लेने का फैसला ले लिया है। इसके अंतर्गत बता दें कि बीते 10 सालों के वन अपराध को भी नस्तीबद्ध किया जाएगा। विचाराधीन प्रकरणों के खात्मे के लिए न्यायालय को सरकारी वकील भी देने वाली है। पीसीसीएफ संरक्षण शाखा ने इसके लिए सभी डीएफओ को निर्देश भी अपना जो है वो जारी कर दिया है। आगे बढ़ते और बता दें कि मध्य प्रदेश के ग्वालियर की रहने वाली दो बेटियों ने देश विदेश में अपना परचम लहराया है। आपको बता दें कि जापान की राजधानी टोक्यो में चल रहे एशियन पैरा कायाकिंग कैनोइंग चैंपियनशिप में पैरा कैनो और कैनो स्प्रिंग में ग्वालियर की बेटियों ने स्वर्ण पदक जीता है। जापान की राजधानी टोक्यो में 18 से 21 अप्रैल तक आयोजित हुए इस चैंपियनशिप में ग्वालियर की अंतर्राष्ट्रीय पैरा खिलाड़ी प्राची यादव ने 2 स्वर्ण पदक जीते हैं। वहीं ग्वालियर की ही अंतर्राष्ट्रीय पैरा खिलाड़ी रजनी झा ने भी एक सिल्वर मेडल जो है वो अपने नाम किया है। दोनों बेटियों ने अपने खेल से चैंपियनशिप में भारत का हर तरफ परचम लहरा दिया है। आगे आपको बता दें कि 26 अप्रैल को लोकसभा चुनाव के दूसरे चरण की वोटिंग होगी। 12 राज्यों और केंद्र शासित राज्यों की 88 लोकसभा सीटों पर 1206 प्रत्याशी अपनी किस्मत आजमा रहे हैं। दूसरे चरण में मध्य प्रदेश की 7 सीटों पर चुनाव होने वाला है। राजनीतिक दलों के नेता जो है वो ताबड़तोड़ रैलियां भी निकाल रहे हैं। इसके साथ ही आरोप प्रत्यारोप का दौर जो है वो भी जारी है। इसी बीच पूर्व केंद्रीय मंत्री एवं कांग्रेस के वरिष्ठ नेता अरुण यादव ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर तंज कसा है। पूर्व केंद्रीय मंत्री अरुण यादव ने एक्स पर पोस्ट करते हुए लिखा, मोदी जी का संकल्प झूठ बोलो जोर से बोलो, लगता है बिना झूठ बोलो मोदी जी को नींद नहीं होगी, इसलिए प्रतिदिन नया झूठ बोलते हैं। कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं द्वारा दिए गए बयानों को तोड़ मरोड़ कर बताते हैं। मोदी जी के भाषण हिंदुस्तान, पाकिस्तान, हिंदू, मुसलमान के अलावा कुछ नहीं है। क्या चुनाव आयोग ने अपनी आंखें बंद कर ली हैं? ये कहना है मोदी जी को अरुण यादव ने निशाना बनाया है। यह थी आज की दिन भर की महत्वपूर्ण अपडेट्स। और भी अपडेट्स के लिए आप बने रहिए एमपी न्यूज के साथ। नमस्कार। एमपी की नब्ज, एमपी का हाल, मध्य प्रदेश की हर खबर एमपी न्यूज टीवी के साथ। लगातार खबरों के लिए सब्सक्राइब करें हमारा यूट्यूब चैनल एमपी न्यूज टीवी। लेटेस्ट अपडेट्स के लिए बेल आइकन दबाना जरा भी ना भूलें।